अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन सबाइना है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह उन मेडिसन के ऊपर लेक्चर करूँगी जो हेमरेज में इस्तेमाल होती हैं, और मैंने एक दो मेडिसिन का जिक्र किया था, कुछ का मैं कर चुकी हूँ लेक्चर। सबाइना और हेमामेलिस मेरी मेडिसिन है जो रह गई हैं। तो आज मैंने सबाइना को इसलिए सिलेक्ट किया है कि इससे पहले जो मैं ट्रिलियम, मिलीफोलियम या एपिकॉक और फेरमफॉस के ऊपर लेक्चर कर चुकी हूँ, उनमें और सबाइना में जो मुमासलस पाई जाती है वो ये कि इन सब की जो ब्लीडिंग है वो रेड ब्राइट होती है। हेमामेलिस में थोड़ी ब्लीडिंग जो है वो डार्क होती है, ब्लैक होती है। इस वजह से मैंने आज सबाइना को चुना हेमामेलिस की जगह। तो पिछले ही एक आप कह लीजिए लेक्चर की आगे सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज मैं सबाइना का क्लिनिकल यूज़ आपको बताऊंगी कि क्लिनिकली हमने सबाइना को किस तरह इस्तेमाल करना है। सबाइना को क्लिनिकली ख़ास तौर पर औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अगर अपने क्लिनिकली प्रैक्टिस की बात करूं तो मैंने ख़वातीन के अलावा सबाइना को कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। और मैं समझती हूं कि जिस तरह हमारी बहुत सारी दूसरी मेडिसन हैं, पल्साटीला है, सिपिया है, जिन्हें हम फीमेल रेमेडीज़ कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह सबाइना जो है एक फ़ीमेल रेमेडी है। इसमें जितने भी मेन सिम्टम्स मिलते हैं वो सारे ख्वातीन के हवाले से मिलते हैं। मैं अगर मर्द के नाम के ऊपर आऊँ और अभी इसको वैसे मैं ब्रीफ ना करूँ मेडिसिन को, तो मैं आपको सिर्फ मर्द के नाम के ऊपर बताती हूँ कि हम सबाइना को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसको फीमेल रेमेडी आप कह सकते हैं। हम इसको डिसमेनोरिया में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको मेनोरेजिया में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको मेट्रोरेजिया में इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन जो है ये फिब्रॉइड में इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिसिन जो है थ्रेटन एबॉर्शन जो होते हैं, जिसमें एबॉर्शन का ख़तरा पाया जाता है, ऐसे हमल जिनमें एबॉर्शन का ख़तरा पाया जाता है वहाँ हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। एंडोमेट्रियम की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजिश हो जाए, तो वहाँ हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। वेजिनाइटिस में, यानी वजाइना की सोजिश में, वजाइना की इन्फ्लेमेशन में हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। लिकोरिया में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फिब्रॉइड्स, ख़ास तौर पर वो फिब्रॉइड्स जिनमें ब्लीडिंग होती है, वहाँ हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। वो ख़वातीन जिनमें मिसकैरेज का रुझान पाया जाता है, वहाँ हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, ये तो मैंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मिसकैरेज या लिकोरिया, वेजिनाइटिस, ये पूरे एक टॉपिक हैं। अगर हमने इनको समेटना है, लेक्चर को समेटना है, तो एक एक लफ्ज़ काफ़ी है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने आपको नाम लिए हैं, यानी कि जो मैंने मिसकैरेज कहा या मेनोरेजिया कहा या मैंने वेजिनाइटिस कहा या लिकोरिया कहा, मैं हर एक के ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुकी हूँ। तो सबाइना जो है ख़वातीन के हवाले से एक बेहतरीन दवा है, और ख़वातीन के बेतहाशा मसाइल जो हैं वो इस दवा के दायरे में आते हैं। लिहाजा जब आपके पास ख़वातीन आएँ, वो किसी भी मर्द के हवाले से आ रही हैं, अपनी माँ सिवाय कि उसमें किल्लत हैज पाई जा रही है, यानी हैज जो है कम मकदार में आ रहे हैं, तो वहाँ हम सबाइना को इस्तेमाल नहीं करते हैं। याद रखिए, सबाइना जो है कसरत हैज की दवा है। ऐसे पीरियड जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें खून बहुत ज़्यादा बहता है, अब ये ब्लीडिंग जो है ये हैज के साथ भी हो सकती है, ये ब्लीडिंग वज़ह हमल के बाद भी हो सकती है, ये ब्लीडिंग जो है मिसकैरेज के बाद भी हो सकती है, ये ब्लीडिंग एबॉर्शन के बाद भी हो सकती है, ये ब्लीडिंग लोशिया यानी नफास की सूरत में भी हो सकती है, ये ब्लीडिंग अगर लिकोरिया में भी पाया जा रहा है, यानी कि ब्लडी लिकोरिया भी पाया जा रहा है, तो उसमें भी लिकोरिया में अगर ब्लड आ रहा है, उसको हम ब्लडी लिकोरिया कहते हैं, तो उसमें भी हम सबाइना को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि जब कभी भी कसरत हैज का जिक्र आएगा, जब कभी भी मेनोरेजिया का नाम आएगा, जब कभी भी मेट्रोरेजिया का नाम आएगा, वहाँ पर हमारी दवाई जो है सबाइना का नाम आएगा। और सबाइना में भी ये खासियत पाई जाती है कि इसकी ब्लीडिंग जो है वो सुर्ख होती है,
चमकदार होती है, इसमें लोथरे भी पाए जाते हैं यानी क्लॉट्स भी पाए जाते हैं, मिक्स होता है कभी क्लॉट्स और कभी पानी मिला खून, कभी रेड ब्राइट ब्लीडिंग होती है यानी इसमें मिक्स किस्म का आप कह लीजिए जो खून है वो खारिज होता है। अब ये खून किसी सूरत में भी खारिज हो रहा, फिब्रॉइड्स की सूरत में खारिज हो रहा है तो भी आपने सबाइना को नहीं भूलना। तो सबाइना भी हेमरेज की एक बेहतरीन अदवियात में से एक दवा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जब यूट्रस में से ब्लीडिंग होती है तो वहाँ हम सबाइना को इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो ब्लीडिंग के तौर पर इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर, लेकिन चूंकि ये ख़ास ख़वातीन से रिलेटेड है और इसकी ब्लीडिंग जो है ख़ास यूट्रस के हवाले से है तो लिहाजा हम इसको ख़वातीन के मसाइल में ही इस्तेमाल करते हैं। इवन अगर सन यास के ज़माने में भी जब खातून को हैज़ बंद हो चुके हैं और उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, वहाँ पर भी अगर हेमरेज शुरू हो जाए, यूट्रस में से ब्लीडिंग शुरू हो जाए और बहुत कसरत के साथ ब्लीडिंग शुरू हो तो वहाँ हम सबाइना को इस्तेमाल करते हैं। सबाइना और पल्साटीला को में फ़र्क आपने कहाँ करना है कि सबाइना में कसरत हैज़ पाया जाता है जबकि पल्साटीला में किल्लत हैज़ पाया जाता है। पल्साटीला स्केंटी पीजर्स की दवा है, पल्साटीला ए मेनोरिया की दवा है, जबकि सबाइना जो है वो हैज़ जो बहुत ज़्यादा होते हैं, सुर्ख चमकदार होते हैं, 10-10 दिन रहते हैं, 12-12 दिन रहते हैं। खातून जो है एक हैज से फारिग होती है, उसके बाद 10 दिन नहीं गुजरते दोबारा हैज शुरू हो जाते हैं और फिर उसी तरह परफ्यूज ब्लीडिंग आती है तो वहाँ हम सबाइना को इस्तेमाल करते हैं। तो ख़वातीन के हवाले से जब भी आपके पास कोई भी मसला आता है, चाहे वो लिकोरिया के हवाले से आ रहा है, चाहे वो मेनोपॉज़ के हवाले से आ रहा है, एंडोमेट्राइटिस के हवाले से आ रहा है, वजाइना की इन्फ्लेमेशन के हवाले से आ रहा है, वहाँ आपने सबाइना को नहीं भूलना है। तो सबाइना ख़वातीन की दवा है और इसके अब मैं मेन आपको एक तो मैंने ये आपको बता दिया कि इसका करैक्टरिस्टिक है कि इसमें जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी इस दवा की जो वजह शोहरत है, जो इसकी खासियत है, वो इसका इसकाते हमल है यानी इस एक तो इन ख़वातीन में जो सबाइना की ख़वातीन हैं इनमें मिसकैरेज का रुझान पाया जाता है, इनके बच्चे ऑटोमेटिकली ज़ाया होते हैं और ख़ास तौर पर मंथ जो है मेंशन किया जाता है कि किस महीने में खातून का बच्चा ज़ाया हो रहा है तो हमने सबाइना को इस्तेमाल करना है। सबाइना में जो मिसकैरेज पाया जाता है, जो टेंडेंसी पाई जाती है मिसकैरेज की, वो तीसरे महीने की पाई जाती है यानी खातून प्रेग्नेंट होती है, पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, जैसे ही तीसरा महीना आता है उसका बच्चा जो है ज़ाया हो जाता है, फिर दोबारा वो कभी कंसीव करती है, फिर पहले दो महीने खैरियत से गुजरते हैं, जैसे ही तीसरा महीना आता है खातून का मिसकैरेज हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि पेशेंट जो है हर तीसरे महीने में हमल उसका ज़ाया हो रहा है तो वहाँ पर हमने मंथ के हवाले से सबाइना की सिलेक्शन करनी है कि सबाइना में जो मिसकैरेज पाया जाता है, जो एबॉर्शन पाया जाता है, वो तीसरे महीने का पाया जाता है। तो ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, तीसरे महीने से आगे नहीं चल पाता उनका हमल, तो वहाँ हम सबाइना को इस हालत को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन जिनको बार बार पीरियड्स रिपीटेड होते हैं, महीने में 2 दफ़ा, महीने में 3 दफ़ा, उनके पीरियड्स को ठीक करने के लिए, उनके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए जहाँ हम नेट्रोम्योर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ हम सबाइना को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट मिलीफोलियम के लेक्चर में भी बताया था कि मेरे पास जब ख़वातीन आती हैं कसरत हैज़ के साथ, अब ये कसरत हैज़ किसी सूरत में भी पाया जा रहा है, हैज़ के बाद पाया जा रहा है, डिलीवरी के बाद पाया जा रहा है, वज़ा हमल के बाद पाया जा रहा है, कोई भी मसला है लेकिन ब्लीडिंग जो है बहुत परफ्यूज़ पाई जा रही है, तो मेरे देन में जो 5-4-5 दवाइयाँ आती हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उन दवाइयों में से एक दवा जो है वो सबाइना है। 200 मैं क्लिनिकली 200 पोटेंसी इस्तेमाल करती हूँ, आप इसको किसी भी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मदर टिंचर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब ब्लीडिंग रोकनी होती है तो मैं सबाइना को 200 में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जब मुझे मेट्रोरेजिया को क्योर करना होता है, ठीक करना होता है, पेशेंट के पीरियड्स को रेगुलर करना होता है, तो वहाँ मैं सबाइना की पोटेंसी चेंज कर देती हूँ और मैं
सवाइना को 30 में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर हमारे पास कोई मेरे पास कोई ऐसी पेशेंट आ जाती है जिसके हवाले से मुझे पता है कि इसका बच्चा ज़ाया हो गया और यूट्रस में अभी RPOCs रह गए हैं या प्लेसेंटा वदा हमल के बाद रिटेन कर गया है और प्लेसेंटा जो है खारिज नहीं हो रहा, तो आपको मालूम है कि इन हालात में हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनमें एक सवाइना भी है। यानी प्लेसेंटा अगर रिटेन कर जाता है तो प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए हम सवाइना का भी इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ आप सवाइना की हाई डोज इस्तेमाल कर लीजिए या आप सवाइना को मदर टिंचर में इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपकी अपनी स्वाबदीद के ऊपर है। तो सवाइना जो है ना सिर्फ टेंडेंसी को ख़त्म करती है जो मिसकैरेज की खातून में पाई जाती है, बल्कि अगर वज़ा हमल के बाद या मिसकैरेज के बाद कोई पीस अंदर रह जाए तो जहाँ हम दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वहाँ हम सवाइना को भी इस्तेमाल करते हैं। सवाइना का एक और ख़ासा भी है। अब आपको सवाइना के पेशेंट में छोटी कमर की दर्द मिलेगी। हमारी ये छोटी कमर वो होती है जो हमारे कमर के ख़ास 5 मोड़े होते हैं ना नीचे, जो हमारा रीजन बनता है कमर का, वहाँ पर उससे नीचे आपको इसकी दर्द मिलेगी और ये दर्द जो है आगे पेल्विक की तरफ आएगी। वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि वज़ा हमल के वक्त जो दर्दें आती हैं या जिनके बच्चे ज़ाया हुए हैं वो जानती हैं कि जो दर्दें आती हैं वो निचली कमर से निकलती हैं और आगे की तरफ आती हैं। लिहाजा जब हमारे पास पेशेंट आता है ना तो हम स्पेशली उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, चाहे वो खातून पूरे मंथ के साथ है, चाहे वो खातून दूसरे महीने में है या तीसरे महीने में, लेकिन अगर वो निचली कमर में छोटी कमर में दर्द की शिकायत करती है तो मैं स्पेशली इन्वेस्टिगेट करती हूँ कि ये दर्द जो है कमर से निकल कर आगे तो नहीं आ रही। क्यों? कमर से निकल के जो दर्द आगे आएगी वो ख़तरे की गारंटी होती है कि हो सकता है कि एबॉर्शन ना हो जाए, हो सकता है कि वज़ाए हमल का वक्त करीब ना आ गया हो। जो दर्दें आगे से निकल कर पीछे की तरफ फैल रही हैं, जो पूरी कमर में फैली हुई हैं, उनका मिसकैरेज के साथ या वज़ाए हमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वज़ाए हमल की या मिसकैरेज की ख़ास दर्द होती है जो निचली कमर से निकलती है और आगे की तरफ आती है, और ये दर्दें जो हैं ये दोरों की सूरत में भी आते हैं, ये परसिस्टेंट भी होती हैं, फिर ये हैं ये वॉन्डरिंग किस्म की भी होती है, यानी कभी इधर हो जाती हैं कभी उधर हो जाती हैं, अपनी जगह बदलती रहती हैं। ये भी लेबर लाइक पेंस होती हैं जो निचली कमर से निकलती हैं और आगे पैरों की तरफ आती हैं, पेल्विक की तरफ आती हैं। तो ये भी एक निशानी होती है कि बच्चा जो है वो ज़ाया हो रहा है, और ये दर्द जो है खातून को जिसको हर तीसरे महीने एबॉर्शन होता है या मिसकैरेज उसका हो जाता है वो इस पेन को एक्सपीरियंस करती है। तो लिहाजा इस दवा में ख़ास तौर पर एक करेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि छोटी कमर से निचली कमर से दर्द निकलती है जो पेल्विक की तरफ आती है। अगर इस तरह की तकलीफ़ खातून में पाई जा रही है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो भी आप जो है सवाइना को इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक और चीज़ जो सवाइना में पाई जाती है जिसमें इसको ज़्यादा शोहरत नहीं है, या आप कह लीजिए कि ये अपना चूँकि ख़वातीन के हवाले से इस दवा को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है, तो इसका एक पोशीदा पहलू भी है जहाँ हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है वॉट्स मोके। मोकों में हमारे पास चूँकि थूचा आ जाती है लिहाजा हम सवाइना को भूल जाते हैं। तो याद रखिए, जितनी थूचा मोकों की बेहतरीन दवा है उतनी ही सवाइना जो है वो वॉट्स की बेहतरीन दवा है। अब ये जो वॉट्स हैं, मोके जो हैं, ये जेनिटल ऑर्गन्स पे भी पाए जा सकते हैं, ये मकद के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, इनमें से खून का बहाव भी हो सकता है, ये कहीं पे भी ये मोके पाए जा रहे हों। तो बिल्कुल जिस तरह हम मदर टिंचर थूजा का इस्तेमाल करते हैं मोकों को दूर करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही सवाइना का मदर टिंचर जो है इन वॉट्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक सवाइना का खुफिया पहलू था कि हम लोग थूजा की तरफ तवज्जो करते हैं, हम सवाइना की तरफ तवज्जो नहीं करते। तो सवाइना भी जो है वो मोकों की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। आप मदर टिंचर में लगाने के तौर पर ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह थूजा काम करती है बिल्कुल इसी तरह सवाइना भी काम करती है। सवाइना में एक और ख़ासियत पाई जाती है, ये कि आप इसका कह लीजिए कि रेयर सिम्टम एक पाया जाता है कि इसके जो पेशेंट होते हैं गाना सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते।
यानी गाना उनके लिए नाकाबले बर्दाश्त होता है और उनको यूँ महसूस होता है कि गाना जो है उनकी हड्डियों में से गुजर रहा है, इंतहाई तकलीफ दे हालत में वो आ जाते हैं। तो अगर ये एक रेयर सिम्टम आपको मिले कि कोई ऐसा शख्स आपको मिले या कोई ऐसी खातून मिले जो आपको इस तरह की बात आके बताए और कहे कि जी मुझसे गाना बर्दाश्त नहीं होता, मैं गाना सुन नहीं सकती और मुझे लगता है कि मेरी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया, मेरी हड्डियों में से गुजर रहा है, तो वहाँ पर आप सबाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि दवा जो है ये ख़वातीन की दवा है, इसमें ख़वातीन के बेशुमार इमराज पाए जाते हैं, इन इमराज पर आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके जो करैक्टरिस्टिक हैं, यानी इसका करैक्टरिस्टिक कि ये इसमें कसरत हैज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो मिसकैरेज है वो तीसरे महीने में पाया जाता है, फिर इसमें निचली कमर में दर्द पाई जाती है, और ये कि ये अपना क्या कहते हैं ब्लीडिंग जो है वो किसी वजह से भी यूट्रस में से हो रही है उसमें ये दवा इस्तेमाल होती है। और हम पल्साटीला से इसको डिफरेंट जो करते हैं वो सिर्फ इसी अंदाज़ में करते हैं कि पल्साटीला जो है उसमें कसरत हैज नहीं पाया जाता, उसमें किल्लत हैज पाया जाता है। बाकी इस दवा में और पल्साटीला में जो मसलस है वो यही है कि इस दवा में भी जो मरीज़ है उसकी तकलीफ गर्म हवा और गर्म कमरे में बढ़ जाती हैं बिल्कुल पल्साटीला की तरह, लेकिन हैज जो है पल्साटीला का वो स्केंटी होगा और इसका जो हैज है वो कसरत के साथ होगा। तो आप चाहें तो नाम के ऊपर इस दवाई को इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहें तो इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर इस दवाई को इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहें तो इसको ख्वातीन की दवा समझते हुए इस्तेमाल कर लीजिए। ये दवा आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन बिल्कुल कैमोमीला की तरह आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जिस तरह कैमोमीला के हवाले से हम कहते हैं कैमोमीला पुरसकून लोगों की दवा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह सबाइना जो है किल्लत हैज़ वालों की दवा नहीं है। कैमोमीला का जो पेशेंट है ना वो हर वक्त जो है बेचैन होता है, शोर करता है, इरिटेबल होता है, गुस्से वाला होता है, पुरसकून नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा पुरसकून मिला हुआ बैठा है, बच्चा जो ख़ास तौर पर, तो वो कैमोमीला का बच्चा नहीं है, वहाँ पे आपकी कैमोमीला काम नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह जो पल्साटीला और सबाइना है, सबाइना का जो खून है अखराज खून है वो कसरत के साथ है, और पल्साटीला का जो है वो बिल्कुल कलील होता है, कम होता है। लिहाजा जहाँ पर किल्लत हैज़ आएगी वहाँ सबाइना नहीं आएगी, और जहाँ पर कसरत हैज़ आएगी वहाँ पल्साटीला नहीं आएगी। ये मैं आपको एक टिप के तौर पर ही मैंने आपको दोनों का मवाजना करके बताया है। दवाई तो मैं आपको सबाइना ही पढ़ा रही हूँ। तो इसकी जो पोटेंसी इस्तेमाल होती हैं वो 30 पोटेंसी भी इस्तेमाल होती है, 200 भी इस्तेमाल होती है, मदर टिंचर भी इस्तेमाल होती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब मुझे पीरियड को रेगुलर करना होता है, कसरत के साथ जब पीरियड रिपीटेडली आते हैं उनको रेगुलर करना होता है, तो मैं सबाइना 30 में इस्तेमाल करती हूँ। एक्टिव ब्राइट ब्लीडिंग को जब रोकना होता है तो मैं सबाइना जो है 200 में इस्तेमाल करती हूँ। मिसकैरेज के बाद, अबॉर्शन के बाद, मदर हमल के बाद अगर यूट्रस को साफ़ करना होता है तो मैं सबाइना क्यों में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन खैर ये आपकी अपनी मर्जी है, आप दवा की जो भी पोटेंसी इस्तेमाल करना चाहें। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपने एक केस की पिक्चर भेजूंगी जिसमें मैंने मसाने की पथरी जो है वो मैंने 12 या 15 दिन के अंदर निकाली थी। दवाई 15 दिन की थी, पथरी जो है वो 12वें दिन निकल गई थी, उसकी मैं पिक्चर भी शेयर करूंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल मुख्तसर बताऊँगी, जो पथरी मैंने निकाली थी मसाने में से उसका जो साइज़ था वो 1.5 सेंटीमीटर था, और गुर्दों में किसी किस्म की कोई पथरी नहीं थी, गुर्दे बिल्कुल नॉर्मल थे और पेशाब के हवाले से सारी तकलीफ आ रही थी। वहाँ मैंने जो मेडिसन इस्तेमाल करवाई थी, मैंने बर्बरस वल्गैरस इस्तेमाल करवाई थी, टेरिबेंथ इस्तेमाल करवाई थी, मैंने हाइड्रेंजिया इस्तेमाल करवाई थी, कैंथेरस को इस्तेमाल करवाया था, और एकोनाइट मैंने 10 mg की एक डोज बना के दी थी एमरजेंसी के लिए कि अगर बहुत शिद्दत की तकलीफ़ आती है एकदम और दर्द नाकाबले बर्दाश्त हो जाता है तो वहाँ एकोनाइट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले जो मैंने उसको दवाई इस्तेमाल करवाई थी उनमें मैंने साथ में नक्स वोमिका लाइकोपोडियम भी इस्तेमाल करवाई थी। मैं ये पिक्चर लगाऊंगी तो आप इसको देख लीजिएगा, जो मैंने दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई हैं उनमें सल्फ़र भी है और कैंथेरस तो मैंने आपको बता दिया। तो ये मैं साथ में आप इनमें से जो चीज़ आपने देखनी है वो आप डेट्स देखिएगा कि 23/1 को पेशेंट मेरे पास आया था, उसके बाद पेशेंट को मैंने 25/1 को दवाई दी,
फिर पेशेंट जो है मेरे पास एक दो को आया, यानी पेशेंट जो मेरे पास है तीन दफ़ा आया, तीन दफ़ा में पहले शायद वो दो दिन की दवाई लेके गया, फिर 25 तारीख को आया, फिर पहली तारीख को आया। तो आप दिनों का अंदाज़ा कर लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जल्दी ये 1.5 सेंटीमीटर की जो पथरी थी ये मेरी इन होम्योपैथिक अद्वियात से निकली थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई ना कोई मैं अपना केस आपको होम्योपैथिक जो मेडिकल्स हुए हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दिया करूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सबाइना को मत भूलिएगा कि ये ख़वातीन की दवा है, ख़वातीन के हवाले से कसरत के साथ इसमें मसाइल मिलते हैं, डिजीज़ मिलते हैं। तो जहाँ कहीं आपको करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर या टर्मिनोलॉजी की बुनियाद पर आप चाहें तो इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।